लेकिन वो कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो हम धोखे में हार गए, ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हार नहीं देगी। और इसलिए भी कि यहाँ पर नेताजी का सीधा सीधा संबंध रहा है, सीधा सीधा संबंध रहा, लोगों से जुड़े रहे हैं, और कोई एक दो साल का रिश्ता नहीं है, कई दशकों का रिश्ता है। यहां से यहां के लोगों ने नेताजी को नेताजी बनाने का काम किया है, इसलिए यहां के लोग इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव अपना चुनाव समझ लो। कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पिछली बार जो मतदान हुआ था, और अगर उत्तर प्रदेश का देखें मतदान, तो जनता ने तो मन बना लिया था कि समाजवादी सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की। और ये सब जानते हैं, उस दिन भी लोग कह रहे थे बेईमानी की, और आज भी लोग मानते हैं कि बेईमानी होगी। अभी कुछ दिन पहले मैं आ रहा था तो बस में जब मैं बैठा, हवाई जहाज से उतरने के बाद पूरी बस में सब लोग बैठे थे, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि सरकार तो आपकी बन गई थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर ली। और अगर आप रिजल्ट उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से प्रशासन ने आपकी सीटों को हराया है। एक ही जिले में जहां हम लोग 20,000 वोट से जीत रहे हो, 24,000 वोट से जीत रहे हैं, उसी जिले में हम 300 से हार रहे हैं, 1200 से हार रहे हैं। ये राजनीति में गणित समझ में नहीं आता कि एक जगह तो 24,000 और दूसरी जगह 100 से या 1200 वोट से हार रहे। और पिछली बार मैंने चुनाव के बाद सभी हारे हुए प्रत्याशी को बुलाया था, और हारे हुए प्रत्याशी से बातचीत करके जब कार्यक्रम शुरुआत होनी थी, किस विधानसभा से सबसे पहले कार्यक्रम शुरू हो, तो हम सब लोगों ने मिलकर भी यही तय किया कि जिस विधानसभा ने आपको चुनकर के विधानसभा में पहुंचाया है, उसी विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलकर के उसी विधानसभा के ये वही क्षेत्र है जिसने अभी कुछ दिन पहले मुझे ऐतिहासिक वोटों से जीत दिलाई है। मैं एक या दो दिन आया, उसके बावजूद भी यहां के लोगों ने परवाह नहीं की, बड़े बड़े विरोधी पार्टियों के नेता यहां पर आए जो न जाने क्या क्या बता रहे थे, उसके बावजूद भी कहे के नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरी जिम्मेदारी बूथ पर संभाली और बहुत अच्छी जीत मुझे दिला करके विधानसभा पहुंचा। ये समाजवादियों का और खासकर नेताजी का रिश्ता रहा है। कई बार यहां पे कठिन परिस्थितियों में चुनाव हुए होंगे, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत चुनाव हम लोगों ने लड़े हैं, कि कल सबसे पहले आकर के चाचा उनसे भी मैं मिल लिया, तो असली बात तो यही है कि अब मुकाबला होना है करहेल और जसवंत विधानसभा में कौन ज्यादा वोटों से। अगर करहेल मन बना ले तो मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा, बहुत आगे हो जाएगा। इसलिए ये चुनाव जिन परिस्थितियों में होने जा रहा है वो सबको पता है। एक हमें साथी मिले कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि जो प्रेस के लोग जिंदगी भर नेताजी को बुरा भला कहते थे, लेकिन जब नेताजी नहीं रहे
तो सबसे अच्छा अगर किसी ने लिखा तो अंग्रेजी के प्रेस के लोगों ने लिखा। जब तक वो हमारे बीच में थे इतना अच्छा नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन जब हमारे बीच में नहीं रहे तो सबसे अच्छा अगर किसी ने विश्लेषण किया तो वो अंग्रेजी प्रेस से लेकर के हिंदी के अखबार और हिंदी के बड़े बड़े लोगों ने लिख दिया। इसलिए जहां नेताजी जो रास्ता दिखा के गए हैं उस रास्ते पर चल करके हम लोगों को मिलकर के समाजवादी विचारधारा को और मजबूत बना। जहां नेताजी जनता के नेता रहे, जमीन से जुड़े रहे, वहीं हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो संघर्ष नेताजी ने जनता का और जमीन पर रहकर के किया है उस संघर्ष को और मजबूत बना करके हमें वोट के माध्यम से ऐतिहासिक जीत। आज जिन परिस्थितियों में हम और आप हैं, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक लड़ाई अभी अधूरी है, जो संघर्ष हमें करना था जहां तक हम लोगों को नेताजी देखे गए, अब जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है कि उससे आगे भी लेकर के कहे विधानसभा में अगर लोग मन बना ले तो मुझे लगता है कि कोई बूथ ऐसा नहीं जो हम लोग पीछे छूट जाए। कुछ बूथ हैं जहां हम लोग नहीं मुकाबला कर पा रहे, लेकिन ये चुनाव ऐसा नहीं है कि वहां के लोग आपके साथ न खड़े हो जाए। अगर हम और आप लोग पहुंचाएंगे, करना चाहता हूं और अपील भी करता हूं कि जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो कुछ भी साजिश कर सकते हैं। उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं और उनके स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं, वो आप भी पढ़ रहे होंगे, वो जानते हैं कि मैनपुरी उनके हिस्से में नहीं है, लेकिन वो कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो हम धोखे में हार गए, ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हार नहीं देगी। और इसलिए भी कि यहाँ पर नेताजी का सीधा सीधा संबंध रहा, सीधा सीधा संबंध रहा, लोगों से जुड़े रहे हैं और कोई एक दो साल का रिश्ता नहीं है, कई दशकों का रिश्ता है। यहां से यहां के लोगों ने नेताजी को नेताजी बनाने का काम किया है, इसलिए यहां के लोग कभी वोट के काम करते। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि ये चुनाव अपना चुनाव समझ, कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पिछली बार जो मतदान हुआ था और अगर उत्तर प्रदेश का देखें मतदान तो जनता ने तो मन बना लिया था कि समाजवादी सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की। और ये सब जानते हैं, उस दिन भी लोग कह रहे थे बेईमानी की और आज भी लोग कहते हैं कि बेईमानी होगी। अभी कुछ दिन पहले मैं आ रहा था तो बस में जब मैं बैठा हवाई जहाज से उतरने के बाद पूरी बस में सब लोग बैठे थे, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि सरकार तो आपकी बन गई थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर ली। और अगर आप रिजल्ट उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से प्रशासन ने आपकी सीटों को हराया है। एक ही जिले में जहां हम लोग 20,000 वोट से जीत रहे हो, 24,000 वोट से जीत रहे हैं, उसी जिले में हम 300 से हार रहे हैं, 1200 से हार रहे हैं। ये राजनीति में गणित समझ में नहीं आता कि एक जगह तो 24,000 और दूसरी जगह 100 से या 1200 वोट से हार रहे हैं। और पिछली बार मैंने चुनाव के बाद सभी हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया था और हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत करके जब कार्यक्रम शुरुआत होनी थी, किस विधानसभा से सबसे पहले कार्यक्रम शुरू हो, तो हम सब लोगों ने मिलकर भी यही तय किया कि जिस विधानसभा ने आपको चुनकर के विधानसभा में पहुंचाया है उसी विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलकर के उसी विधानसभा को
ये वही क्षेत्र है जिसने अभी कुछ दिन पहले मुझे ऐतिहासिक वोटों से जीत दिलाई है। मैं एक या दो दिन आया, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने परवाह नहीं की। बड़े बड़े विरोधी पार्टियों के नेता यहाँ पर आए, जो न जाने क्या क्या बता रहे थे, उसके बावजूद भी कहे के नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरी जिम्मेदारी बूथ पर संभाली और बहुत अच्छी जीत मुझे दिला करके विधानसभा पहुंचा। ये समाजवादियों का और खासकर नेताजी का रिश्ता रहा है। कई बार यहाँ पे कठिन परिस्थितियों में चुनाव हुए होंगे, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत चुनाव हम लोगों ने लड़े हैं, ताकि कल सबसे पहले आकर के चाचा उनसे भी मैं मिल लिया। तो असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है करहेल और जसवंत विधानसभा में कौन ज्यादा वोटों से।